आप लोग सबको मैंने ईद मुबारक कहना चाहूंगी। एक खुशी का ईद है। जब मैं घर से निकले तो मैंने देखा है आसमान इतना काला हो गया, इतना बारिश हो गया। दो साल बाद कोविड के बाद आप लोगों ने रेड जोन का सबसे ऐतिहासिक जो जमाए होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक कोई जगह में नहीं होता है। इतना भाईचारा, इतना अमन, इतना शांति, इतना संप्रीति, इतना एक साथ में रह के आप लोगों ने एक महीना रोजा किया है, आप आपको समर्पित किया है। अल्लाह आपका जो दुआ है वो कबूल करे, अल्लाह आपको अच्छा रखे, अल्लाह आपको बढ़ते दे, अल्लाह आपको शांति दे, अल्लाह आपको खिदमत का खुदा आपको दुआ करे, आप लोग को खुशी दे, आप लोग को रोशनी का चांद दे, आप लोग को सुबह अच्छा में दे। जब आप लोगों ने बारिश में भीग रहा था तो मैं अल्लाह को दुआ मांगते थे कि एक बड़ा बरसो आप शांति के लिए, लेकिन इतना मत बरसो कि आज एक महीना बाद पूरा भाई लोग हमारा नमाज पढ़ रहा है, किसको तो नमाज करने दो, इसका बाद आप बरसो, लेकिन इतना बारिश ना बरसो जिसमें किसी का आंखों में आंसू गिरे, ऐसा बारिश बरसो जिसमें अमन दे, जिसमें शांति दे, जिसमें सुख दे, जिसमें संतुष्टि दे, जिसमें सब एक साथ में रह जाओ। बारिश हो रहा है, आप लोग भी भीग गया, मैं ज्यादा बात कहने नहीं चाहूंगी, लेकिन देश का परिस्थिति ठीक नहीं है। एक परिस्थिति में भी आज का दिन मैं वादा करती हूँ, जब तक जिंदा रहेंगे हम आप लोगों को जो कॉज है उसको लिए, हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम लड़के जाएंगे। मेरे को जिंदगी इंसान के लिए, इंसानियत के लिए, इंसाफ के लिए हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम फिर घुमाने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि फानूस बन के जिसकी इबादत हवा करे वो समस्या मुझे दिए रोशन सदा करे। आज का दिन मैं कहने चाहूंगी, मुझे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंदिर पूरा होता है। मैंने कहने चाहूंगी कि रोशनी चौक से होता है, मोहब्बत अमन से होता है, मोहब्बत टुकड़ा करने से नहीं होता है। और का अपना अपना धर्म होता है, लेकिन जब फेस्टिवल होता है ये हमारा सबका होता है, ये हमारा सबका होता है, ये हमारा सबका होता है। हम अपने सकल की मुबारक जानिए, शांति नहीं आसुक अपने परिवार, स्वस्थ नहीं आसुक, सुख नहीं आसुक, संप्रीति नहीं आसुक। हमारे बांग्ला पद देखा दे शांति पद, संहति पद। हम कभी आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं करने देंगे हमारा उनसे और हमारा पार्टी का उसे और हमारा गवर्नमेंट का उसे, जिसमें आप लोगों को कभी भी कोई दुख हो। आपको रोना हम देखने नहीं चाहते हैं, हम सबको हंसना देखने चाहते हैं। हम तो वही वादा करते हैं कि जो डरते हैं वो मरते हैं, और जो लड़ते हैं वो आगे बढ़ते हैं। डरना नहीं है, लड़ना है, और जिंदगी के लिए ऐसा कामयाबी होना है कि जो भी आए आए आने दो। देखो रोशनी, देखो सूरज डूब गया। अल्लाह ने मेरे को दुआ मांग लिया, दुआ मंजूर कर लिया। मैंने कहा था किरण में बैठ के आप लोगों ने इतना बड़ी मैदान है, फाका जगह है, मेरे को डर लग रहा है आप लोगों को लिए कि अगर कोई ज्यादा बारिश हो जाए तो आप लोग को बहुत नुकसान ना पहुंचाए। कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, अच्छे से रहना, शांति से रहना, सुख से रहना। आप हम लोग को जो भी करना है हम जरूर करेंगे। आपको कफन हमारा लिए इंतजार करते हैं, हम कफन के लिए इंतजार नहीं करते हैं। इसीलिए आज देश में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। जो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चल रहा है
वो भी ठीक नहीं है। जो आइसोलेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है वो भी ठीक नहीं है। हम यूनिटी चाहते हैं, हम सारे जहाज से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम वही चाहते हैं, हम वही चाहते हैं। मजहब यही सिखाता आप उसमें बैठी रखना, हम हिंदुस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी हो, लेकिन एक साथ में रहने का हक सबका है। आपका जो होप है हमारा भी होप है। आपका होप लेके आप अच्छा से जाइए, अच्छा से ईद मनाइए, अच्छा से देखो हम दो दिन छुट्टी देता है ईद के लिए। खिलाफत का जायगा भी मैंने दिया, मैंने हॉस्पिटल आप देखा कितना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, हमारे घर से ज्यादा हॉस्पिटल जाता है, हम कितना अलिया यूनिवर्सिटी कितना बड़ा बना दिया, ऐसे हमारा उर्दू एकेडमी जो के सब है, और हम खुद हम भी उर्दू में 6 पुस्तक लिखा है, हमारा 110 पुस्तक निकाला है अब बाहर में। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अच्छा रहे, बढ़िया रहे। देखिए आसमान हाथ रहा है, आप लोग को अच्छा दिन आएगा, और झूठा अच्छा दिन नहीं, झूठा अच्छा दिन का बात नहीं है। हम चाहते हैं अच्छे दिन सच्चे दिन के साथ में ले आए, अच्छे दिन सबको साथ में ले आए, सबको एक साथ में रहना है, एक साथ में काम करना है। और कोई कोई आदमी जाके आउट ऑफ जिला से झूठा झूठा बात करते हैं आप लोगों को कम्युनिटी को टुकड़ा करने के लिए, हिंदू मुसलमान को टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए। कभी बात सुनिए, हमको बहुत गाली देता है लोग, बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं, हम उसको जुलूम सहते हैं, लेकिन आपको बात हम उसको नहीं सुनता है। ये जो कामयाबी, ये जो लड़ने का शक्ति, ये आप लोगों ने मेरे को दिया है, ये इंसान का शक्ति है, इंसाफ का शक्ति है, आमन का है, खुदा का है। इसके लिए मैं कहने जाऊंगी खुद ही को पर बुलंद दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद मुझे बचा कर रहा। अच्छा रहिए, शान रहिए, सुंदर रहिए। अभी बांग्ला के हर विश्व भर सबको बांग्ला का ओर से ईद मुबारक कहने जाऊंगी। पूरा विश्व में शांति रहे, आज पूरा विश्व देखे कि बंगाल में जैसे यूनिटी है और कोई जगह में हिंदुस्तान में नहीं है। इसके लिए वो लोग जलते हैं, जितना जलते हैं उतना गाली देता है, जितना जलते हैं वो बेइज्जती करते हैं, लेकिन वो हमको बहुत बेइज्जत किया है, बहुत बेइज्जती करते भी है, आने वाला दिन करेंगे भी, करने का हम डरते नहीं है, हम डरपोक नहीं है, हम काफिर नहीं है, हम लड़ते हैं, हम लड़ना जानते हैं, हम ना लड़ते जानी, हम ना मरते जानी, हम ना बोलते जानी। ताई बोली नजरुल इस्लाम बोलेछिलेन जे वेद वेदांत कुरान पुराण वेद वेदांत बाइबेल थी भी तो जिंदा साहेब ग्रंथ व्यस्त ग्रंथ साहेब पढ़ जाओ जब सब खुदा का वाणी लेके, ईश्वर का वाणी लेके, माँ दुर्गा का वाणी लेके, ईसाई का वाणी लेके, हम सब एक साथ में जिएंगे, जिएंगे तो एक साथ में जिएंगे, लड़ेंगे तो एक साथ में लड़ेंगे। आपका भरोसा है, आपका भरोसा है, विश्वास है, तो एक बात याद रखना कि हमने कभी विश्वास तोड़ने नहीं जानता है, हम विश्वास लेके मरेंगे। एक हमारा जिंदगी का सबसे बड़ा कामयाबी है, आज नहीं पूरा जिंदगी भर हम आपका यही मकसद है। हमारा पिताजी माताजी यही शिक्षा दिया है, सबको लेके चलो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। अच्छा रहे, सुंदर रहे, बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। देखिए 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 सूरज में हंस रहा है, आधा घंटा पहले किया थी इसका, लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह का बहुत बहुत मेहरबानी है, आमीन है कि हमारा बात सुन लिया। आप लोग घर में जाइए, कपड़ा जामा छोड़ के बारिश में भीग गया है, गरम गरम चाय पीजिए, अच्छा से छिमुई खाइए,
तो जो जो खाना है बहुत बढ़िया बढ़िया घर का माँ बहन जो खाना पका के रख दिया, अच्छा से खाइए, आप तो सबको खिलाते भी है, सबको खिलाइए, अच्छे सुस्वस्थ रहिए, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहना चाहिए, आपको बेटा बेटी अभी बड़ा बड़ा IAS होना चाहिए, IPS होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, प्रोफेसर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, बड़ा बड़ा जायगा में जाके आप एजुकेशन में भी मैं देखते हैं कि हमारा जो 17% रिजर्वेशन है, बहुत सारे भाई लोग बहन लोग आज इतना अच्छा पढ़ाशुना कर रहे हैं, लिखा पढ़ा कर रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ देम। हमारा एडीजी लोडर कौन है? जावेद खान है, जावेद समी, जावेद हमारा मिनिस्टर है, फिरादा की है, समी शमीमा है, गुलाम रब्बानी है, हमारा अमीरुल है, सिद्दीकुल्ला चौधरी है, और हमारा मिनिस्टर है, और हमारा साथ हर जगह पे हम सबको लेके काम करते हैं। इसी के लिए हम खुश है। हम जावेद को बोल रहा था, हम 2000 जगह जाते हैं, लेकिन क्या कहेगा, इतना बारिश आ रहा है। जावेद बोला आप गाड़ी को घूम के चलाओ। हम कल भी सलाना मस्जिद में चाँद मुबारक करने के लिए गया था, मेरे को सब पता है चाँद मुबारक क्या होता है, मुबारक क्या होता है, और आपका धर्म को भी क्या होता है, हमारा धर्म को भी क्या होता है। हम तो सब धर्म को प्यार करते हैं, माँ बाप से अच्छा रहो और मुझ पर विश्वास रखो, और सबको एक साथ में लड़ना है। आने वाला दिन हमको एक साथ में लड़ना है, और जो शक्ति देश को टुकड़ा करने चाहते हैं, जुलूम करते हैं, प्यार मोहब्बत को टुकड़ा करते हैं, उसका खिलाफ में यूनाइटेड लड़के उसको हम हटाएंगे, उसको हम हटाएंगे, उसको हम हटाएंगे। ए अल्लाह का पास हम दुआ मांगते हैं, ए दुआ आपको सबको दे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको, आपके परिवार को, आपको सबको, अपने सबको ईद मुबारक। भलो थाकबें, सुस्थ थाकबें, সুন্দর থাকবেন। আল্লাহ আপনাদের রোজা কবুল করেছেন, এক মাস ধরে আপনারা কষ্ট করেছেন, নিজেদের সমর্পিত করেছেন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অনেক অনেক ধন্যবাদ, নমস্কার, সালামু আলাইকুম, ভালো থাকুন, সুন্দর থাকুন, অনেক অনেক ধন্যবাদ।